लाउड स्पीकर लगाने की बात, अगर लाउड स्पीकर से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो उसे उतरवा देना चाहिए। कोई नहीं रोक रहा है उनको, वो जब सड़कों पर नमाज पढ़ लेते हैं तो मंदिर के आगे भी कौन रोक रहा है। फिर हमारे हिंदुओं में तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, अगर आपको अजान की आवाज से ब्रह्म मुहूर्त में उठने को मिल रहा है तो आप उसको अलार्म समझ लो। इस बात को तूल देकर धर्म की राजनीति करते हुए लोगों ने इस तरह से बना दिया कि अब समस्या उत्पन्न होने लगी है। वो मुसलमान, मैं उस मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानती हूँ जो रमजान के पवित्र महीने में दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चौधरी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विभिन्न संगठन इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब अलीगढ़ से एक सपा नेत्री का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए तो मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी होकर मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगी। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में भाजपा नेत्री शिवांगी शर्मा जी मौजूद हैं। शिवांगी जी, किस प्रकार से आप देखती हैं, जो सपा नेत्री हैं उन्होंने अभी ये बयान दिया है कि यदि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए तो मंदिरों के सामने महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा होकर कुरान पढ़ेंगी। देखिए सर, भारत एक सेक्युलर देश है और इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो मेरा मानना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत राय के विषय में ही आप जानना चाह रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो ये बयान दिया गया है ये केवल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जो भारत का धर्म निरपेक्षता है वो ये कहती ही नहीं है कि आप किसी और की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हाँ, रही बात लाउड स्पीकर लगाने की बात, अगर लाउड स्पीकर से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो उसे उतरवा देना चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप उसको लिमिटेड आवाज में, जैसे कि हमारी न्यायपालिका का आदेश है कि आप उसे सही स्तर पर, जितनी आवाज उनके द्वारा बताई गई है उस स्तर पर आप प्रयोग कीजिए, दूसरों को समस्या ही ना हो। रही बात मंदिर के सामने हनुमान अजान पढ़ने की या कुछ भी, तो देखिए हमारे देश ही वही देश है जहां पर ये जो जब अजान होती है, अजान ही मैंने कही थी, जो में जो पढ़ा जाता है वो सड़कों पर भी कर लेते हैं, वो तो मंदिर पे करो, कहीं भी करो, कोई नहीं रोक रहा है उनको। वो जब सड़कों पर नमाज पढ़ लेते हैं तो मंदिर के आगे भी कौन रोक रहा है। फिर वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर ये बात इतनी ज्यादा गरमाई हुई है कि मैंने सुना था लास्ट टाइम पे कि कुछ लोगों ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ दी, तो क्या इससे कुछ मिला, हासिल हुआ सिवाय झगड़े के, फसाद के? तो ये सब सिर्फ राजनीति से प्रेरित चीजें हैं। समाज नीति के अंदर राजनीति को ज्यादा ना घुसाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि समाज में अलग अलग वर्ग हैं, सभी को उनका हक दो। बेकार की बातों को तूल बनाकर सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात मानती हैं कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा जाए, नहीं तो उनके सामने, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का जाप होगा, तो वो राजनीतिक बयान है, धार्मिक नहीं? अगर ये राजनीतिक नहीं होता तो एक नेता को ये कहने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर गली मोहल्ले के अंदर इतना तेज लाउड स्पीकर बजता है तो आपस में लोग मिलजुल कर ही कह लेते कि भैया इसे कम कर लो। एक घर के अंदर आपने देखा भी होगा, आमतौर पर इसको छोटी सी माप में लेखो, मोहल्ले के अंदर किसी घर पार्टी है, एक लिमिट से ज्यादा आवाज होने लग जाए तो मोहल्ले के लोग खड़े रहते हैं कि भैया कम कर ले, बच्चे हैं, छोटे सो रहे हैं। तो इस चीज को उस तरीके से लो ना। हमारे हिंदुओं में तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, अगर आपको अजान की आवाज से ब्रह्म मुहूर्त में उठने को मिल रहा है तो आप उसको अलार्म समझ लो। झगड़ा फसाद कम करो ना, कितने जैसे अक्कड़, जिसमें ज्यादा अक्कड़ होती है ना वो टूट जाया करता है, अक्कड़ मत करो, ना हिंदू करे ना मुस्लिम करे, इसको इस तरीके से रखो कि दोनों में सामंजस्य बना रहे। कोई हमारा देश कोई आज का आजाद हुआ नहीं है, 70 साल हो गए। हाँ, अगर इस चीज को तूल देते रहेंगे तो गृह युद्ध हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? ये आपके पास तो मंदिर भी है और कुछ ही दूरी पर मस्जिद भी है, तो मंदिरों में लाउड स्पीकर बजते हैं और मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर बजते हैं, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी कभी हुई है क्या? कभी नहीं हुई, सच्चाई बताऊं। मेरा पालन पोषण हरियाणा के अंदर हुआ है और मैं जिस जगह पर मेरा पालन पोषण हुआ उस जगह पे क्या होता है, मस्जिद नहीं है। हरियाणा में मस्जिदें बहुत कम है जिस एरिया में मैं रोहतक से हूँ। तो जब मैंने पहली बार अजान की आवाज यहाँ सुनी ना, आप यकीन मानिए, यहाँ साइड में गुरुद्वारा है, कोने पे बालासुदरी का मंदिर है और बिल्कुल उसके कोने पे मस्जिद है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं धर्म निरपेक्षता सीखी हुई, मैं एक अध्यापिका हूँ तो शिक्षक होने के नाते मुझे बड़ा अच्छी अनुभूति हुई। ये तो वक्त दर समय बढ़ते बढ़ते ये चीजें ऐसी बन गई कि इससे लोगों को समस्याएं होने लगी। ये तो हजारों सालों से चल रहा है,
हजारों नहीं तो कहते आजादी के पहले से चल रही सब चीजें, मंदिर भी थी मस्जिदें भी थी ना, तब नहीं समस्या हुई। इस बात को तूल देकर धर्म की राजनीति करते हुए लोगों ने इस तरह से बना दिया कि अब समस्या उत्पन्न होने लगी है। यानी पूरे मामले पर राज ठाकरे भी राजनीति कर रहे हैं और सपा नेत्री रुबिया खानम भी राजनीति कर रही है। बिल्कुल राजनीति ही है, वरना अकड़ वाली बात क्या है। मैं तो कहती हूँ दोनों जियो, जियो जीने दो। हमारा हिंदू धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराव्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो वो चीज तो हम भूल ही नहीं रहे, वसुधैव कुटुम्बकम की हम अपनी भावना रखते हैं, तो फिर हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपके दायरे के अंदर घुसता है तो आत्मरक्षा करो। सिर्फ मैं हिंदुओं नहीं रहता ये कहती हूँ, जो आपकी इच्छा में है आप वो करो, जो मेरी इच्छा में वो मैं करूं। हम दोनों का एक दायरा है, मैं आपके दायरे में प्रवेश ना करूं, आप मेरे दायरे में प्रवेश मत करो, जी और जीने दो। सपा नेत्री का ये भी कहना है कि अब पवित्र रमजान माह चल रहा है और हमारे धार्मिक कार्यों में अड़ंगा अड़ाया जा रहा है। अच्छा, पहली बात ये बताइए कि जो अभी हमारे यहाँ हनुमान जयंती निकली है, रामनवमी की जो यात्राएं निकली है, तो फिर उसके ऊपर पथराव किसने कर दिया? वो मुसलमान, मैं उस मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानती हूँ जो रमजान के पवित्र महीने में दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिस मुसलमान को जानती हूँ, वो मुसलमान का कहना यह है कि रमजान के पवित्र महीने में मैं किसी से ऊंचे आवाज में बात ना करूं। तो वो तो मुसलमान ही नहीं है जो दूसरों के घरों में घुस के पत्थर मार रहे हैं या दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो केवल आतंकवादी हैं जिनका काम है देश के अंदर आतंक फैलाना, जिनका काम है देश के अंदर जो हमारी शांति है उसको भंग करना। सिर्फ अभी जिन लोगों ने पत्थरबाजी की अब उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, और उसको लेकर ओवैसी का अभी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना कचहरी ना कोर्ट, सीधा बुलडोजर से चोट। क्या कहेंगे इस बयान पर? जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है बुलडोजर के सामने भी तो वही आ रहे हैं, प्रूफ के साथ है ना, वीडियो में है पत्थर मारते हुए, उन्हीं के घर पे तो जा रहा है ना, पूरा मोहल्ला तो नहीं उजाड़ा जा रहा। आप पत्थर मार ही क्यों रहे हो, क्यों आए हो? आपको घर से बुलाकर पैसे खिलाकर पत्थर मारने के लिए लाया गया है तो भुगतो। आपको तो आपके घर पर जाकर तो किसी ने रामनवमी की झांकी चढ़ा नहीं दी थी कि आपके घर के अंदर आगे इसलिए पत्थर मार रहे हो, क्यों आए सड़क पर? भाई मैंने कहा ना, हमारा दायरा हम तक रहने दो, तुम अपने दायरे में रहो, ना हम तुमको परेशान करेंगे ना तुम हमें परेशान करो। यही तो सेकुलरिज्म है। अगर तुम किसी और के ऊपर पत्थर मारोगे, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने तो पहले ही कह रखा है ना, पता है ना तुमको कि क्या होगा, क्यों कर रहे हो? देश के कई हिस्सों में रामनवमी पर जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हनुमान जयंती पर दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश बचा रहा। बाबा जी का प्रकोप है, वो उनको पता है ना, ऐसा करने वालों को पता है कि यहां अगर गलती की तो इस गलती की गुंजाइश नहीं है, आपको पता है इसका परिणाम क्या होने वाला है। यहाँ पे सरकार सरकार नहीं है, सिंपल, यहाँ पर बुलडोजर सरकार है। आपको पता है आप गलती करोगे तो क्या होगा, तो अच्छा है ना करो। चलिए, तो ये थे हमारी साथ में भाजपा नेत्री शिवांगी शर्मा जी, जिन्होंने अभी पूरे मामले पर अपने विचार रखे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।